अयोध्या में अयोध्या आएंगे इन अयोध्या ग्रैंड राम टेम्पल राम भक्तों में आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। मैं अयोध्या हूँ, सदियों से हजारों हमले सहकर उजड़ी और संभली हूँ, इस इंतजार में कि मेरे राम एक दिन जरूर आएंगे और मुझे फिर एक बार अपनी रौनक वापस मिल जाएगी। और अब एक लंबे इंतजार के बाद रामलला फिर पधार रहे हैं। अयोध्या एक ऐसी नगरी जिसे किसी भी युद्ध में जीता नहीं जा सकता, एक ऐसी नगरी जिसे वेदों में देवताओं का शहर कहा गया है, भक्ति आस्था और पवित्रता का प्रतीक, जो हिंदुओं के 7 प्रमुख धार्मिक क्षेत्रों में से एक मानी जाती है। लेकिन एक ऐसा समय भी था जब अयोध्या सिर्फ एक वीरान और उजड़ा हुआ शहर बनकर रह गई थी। गरीबी, खतरनाक हमले और तबाही से पीड़ित ये नगरी गुमनामी के कगार पर खड़ी थी। पर आज सैकड़ों सालों के इंतजार के बाद एक भयंकर श्राप खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ फिर एक बार खुशियाँ लौट रही है क्योंकि श्री राम लौट रहे हैं, भव्य राम मंदिर की स्थापना हो रही है। अपना अस्तित्व खोती नजर आ रही अयोध्या को फिर एक बार अपनी असली पहचान मिल गई है। श्री राम की नगरी अयोध्या, जिसके साथ कई अनसुनी कहानियां जुड़ी हुई है जिनके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। अरे वहाँ तो देश और विदेश के भी आदमी आ रहे हैं, क्योंकि ये हवा जो है तो देश विदेश में छाई हुई है। 22 जनवरी को प्रभु जी एक छप्पर से निकल के अपने घर में पहुँचने वाले हैं, खुशी की बात है। मंदिर भी एक नंबर का है, हिंदुस्तान में पहला नंबर है भगवान राम का, जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है वो एक नंबर का है। जो कार्य बहुत आसानी से हो सकता था, कुछ लोगों की मूर्खता के कारण उसे लटका दिया गया। पुराणों के अनुसार अयोध्या की स्थापना सृष्टि के सबसे पहले मनुष्य मनु ने की थी, जिसके बाद उनके पुत्र इक्ष्वाकु इसी भूमि के पहले राजा बने और फिर उन्हीं के वंश में भगवान श्री विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ। जो एक समय पर सोने चांदी से भरी हुआ करती थी, राम राज्य खत्म होने के बाद उसी अयोध्या को कई बार विदेशी ताकतों ने रौंदने की कोशिश की। अयोध्या के लोगों की माने तो इस भूमि की यह हालत एक श्राप की वजह से हुई थी जो माता सीता ने अयोध्या और यहाँ रहने वाले लोगों को दिया था। एक ऐसा श्राप जिसने देखते ही देखते इस नगरी की सारी रौनक को मिटा दिया और इसे गुमनामी के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। शायद माँ सीता ने आखिरकार अपना श्राप वापस ले लिया। अयोध्या में हुए राम मंदिर के भूमि पूजन और तेजी से होते विकास को देख अयोध्या के राजघराने के सदस्य बिल्मेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के मुंह से निकले ये शब्द, जिन्होंने यहाँ बसे हर एक इंसान के आंखों को आंसुओं से भर दिया। सदियों तक उजड़े रहने के बाद इस भूमि को और यहाँ के वासियों को एक उम्मीद की किरण मिली और उन्हें लगा कि अयोध्या आखिरकार माँ सीता के श्राप से मुक्त हो गई। लेकिन वो श्राप क्या था और श्री राम की जन्मभूमि को माँ सीता ने श्राप क्यों दिया? रामलला पधार रहे हैं, लेकिन अगर आप अयोध्या जाकर इस भव्य उत्सव में हिस्सा नहीं ले पा रहे तो हम उसे आपके घर तक ला सकते हैं। आर्टेरियम के साथ कोलैबोरेट करके हम आपके लिए लाए हैं रामलला जन्मभूमि मंदिर का हूबहू प्रतिरूप। इस हाई क्वालिटी प्रतिमा को बहुत बारीकी से तराशा गया है जो 2 अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर कीजिए और यूज कीजिए कूपन कोड RAAAZ10, इट इज RAAAZ10 फॉर 10% डिस्काउंट। आप भी रामलला के उत्सव में भाग ले पाएंगे क्योंकि हर घर में श्री राम आएंगे। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार 14 साल के वनवास के बाद श्री राम रावण को हरा कर अपनी पत्नी माँ सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे और उन्होंने अयोध्या के राजा का पद स्वीकार किया और साथ ही माँ सीता अयोध्या की रानी बन गई। लेकिन इसी घटना से जुड़ी एक प्रचलित कहानी के अनुसार अयोध्या के कुछ लोगों को माँ सीता का रानी बनना पसंद नहीं था क्योंकि वो उन्हें अपवित्र समझ रहे थे। श्रीमद् भागवतम के 9वें सर्ग के 11वें अध्याय के अनुसार एक बार श्री राम भेष बदल कर अयोध्या में घूम रहे थे ताकि वो करीब से अपने लोगों की समस्या समझ सके। तब टहलते टहलते वो एक घर के पास जा पहुँचे जहाँ जोर जोर से झगड़े की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक आदमी अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा था, तू पराए घर में रहकर आई है, मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। राम ने भले अपने पत्नी को स्वीकार किया हो लेकिन मैं कोई राम नहीं,
ये बात सुनकर श्री राम दुविधा में पड़ गए। हालांकि उन्हें माँ सीता की पवित्रता पर कोई शंका नहीं थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अयोध्या की जनता अपनी रानी से नाखुश हो और उन पर सवाल उठाए। इसीलिए उन्होंने माँ सीता को फिर एक बार वनवास भेजने का आदेश दे दिया। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि वो माँ सीता को वन में छोड़ कर आ जाए। माना जाता है कि अयोध्या के लोगों की ऐसी सोच पर और अपने ऊपर हुए इस अन्याय ने माँ सीता को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया था, और इसी क्रोध की अग्नि में उन्होंने अयोध्या को श्राप दे दिया कि यह नगरी हमेशा अफवाहों से पीड़ित रहेगी और इसका कभी विकास नहीं होगा। कहते हैं कि इसी वजह से कई राजाओं के राज करने के बाद भी अयोध्या को सदियों तक तबाही और संकटों का सामना करना पड़ा, और वो कभी भी पहले की तरह खुशहाल नगरी नहीं बन पाई। अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ। वो यही खेले, यही बड़े हुए, यही से वनवास के लिए प्रस्थान किया और यही अपने मानव शरीर का त्याग भी किया। और इन सभी घटनाओं में से एक अहम भूमिका निभाई इस शहर के किनारे बह रही सरयू नदी ने, एक ऐसी प्राचीन नदी जिसका इतिहास श्री राम के जन्म से भी कई सदियों पुराना है। और कहते हैं कि ये नदी भगवान श्री विष्णु के आंसुओं से बनी थी। एक प्रचलित कहानी के अनुसार सृष्टि के निर्माण करते समय ब्रह्मा जी का मन विचलित होने लगा, जिससे उनके कार्य में बाधा आने लगी। उन्होंने अपने मन को शांत करने के लिए श्री विष्णु की आराधना करने का फैसला किया और वो एक गहरे तप में लीन हो गए। एक लंबे तप के बाद श्री विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और ब्रह्मा जी की भक्ति और प्यार को देख उनके आंखों में आंसू आ गए। विष्णु जी के आंसू देखकर ब्रह्मा जी ने तुरंत अपना कमंडल उठाया और उन आंसुओं से उसे भर दिया। उन्होंने कैलाश के मानसरोवर का निर्माण किया और इन पवित्र आंसुओं को वहां संचित कर दिया, जहां से कुछ समय बाद सरयू नदी का उद्गम हुआ और वो बहते बहते उस जगह जा पहुंची जहां अयोध्या नगरी की स्थापना हुई थी। सरयू नदी वो नदी है जिसे पार कर श्री राम वनवास के लिए निकले थे। यही वो नदी है जिसके किनारे उन्होंने गुरु विश्वामित्र से ज्ञान हासिल किया था, और यही वो नदी है जिसमें श्री राम ने जल समाधि लेकर अपने मानव शरीर का त्याग किया था। एक राज की बात बताओ, हम ना बहुत ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग टाइप का कंटेंट बनाते हैं, जिसे बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको हमें सपोर्ट करना होगा ना, तो हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करो। गुप्तार घाट, सरयू नदी के तट पर बसा एक ऐसा घाट जहां श्री राम ने अपने मानव शरीर को त्याग कर राम अवतार का अंत किया और अपने धाम लौट गए। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार अयोध्या पर कुछ साल राज करने के बाद श्री राम ने फैसला किया कि अब उनके अवतार का अंतिम समय आ गया है और उन्हें अब मृत्यु को स्वीकार कर वापस अपने धाम वैकुंठ लौटना होगा। इसीलिए उन्होंने तय किया कि सरयू नदी में उतर कर वो जल समाधि लेंगे। वो जानते थे कि हर इंसान की तरह उन्हें भी यमराज के साथ ही इस धरती को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन हनुमान जी के होते हुए यमराज अयोध्या में आने का साहस नहीं कर रहे थे, और इसीलिए श्री राम ने हनुमान जी को एक कार्य सौंप दिया जिससे वो बिना किसी बाधा के जल समाधि ले सके। श्री राम ने हनुमान जी को क्या कार्य दिया था, ये जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। हनुमान जी को अपने से दूर भेजने के बाद श्री राम अपना महल छोड़कर सरयू नदी के गुप्तार घाट पर पहुंचे, जहां स्वर्ग की अप्सराएं, गंधर्व और सभी देवता हाथ में दिव्य फूल लिए उनका इंतजार कर रहे थे, और वो गुप्तार घाट से उतरकर सरयू नदी में चले गए और उन्होंने जल समाधि ले ली। तभी से गुप्तार घाट को एक खास महत्व मिल गया। मान्यता के अनुसार जिसका भी अस्थि विसर्जन इस घाट पर होता है उनके लिए मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं, और इसीलिए दूर दूर से लोग अपनी प्रियजनों की अस्थि विसर्जन करने इस घाट पर आते हैं। कहते हैं श्री राम समाधि लेने जा रहे थे तब हनुमान जी लौटे और उन्होंने प्रभु को रोकने की कोशिश की, लेकिन श्री राम ने उन्हें समझाया कि उनका इस अवतार में कार्य समाप्त हो गया है, इसीलिए उन्हें अब लौटना होगा। और समाधि लेने से पहले उन्होंने हनुमान जी से एक आखिरी वचन लिया, अयोध्या की रक्षा का वचन। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान चालीसा के ये वर्ष सीधे शब्दों में कहते हैं कि हनुमान जी श्री राम के द्वार के रखवाले हैं और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी आगे बढ़कर श्री राम के दर्शन नहीं ले सकता। इसीलिए अयोध्या जाने वाला हर एक राम भक्त श्री राम के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी जरूर जाता है।
यहाँ हनुमान जी के सम्मान में बना एक ऐसा मंदिर है जहाँ मान्यता के अनुसार हर रोज हनुमान जी स्वयं प्रकट होते हैं। रामकोट, अयोध्या में बसा एक ऐसा किला जहाँ मान्यता के अनुसार भगवान राम का जन्म हुआ था, और कहते हैं कि प्राचीन काल में भगवान राम का यही मंदिर हुआ करता था। माना जाता है कि हनुमानगढ़ी पर बैठकर हनुमान जी रामकोट के साथ ही पूरी अयोध्या पर नज़र रखते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन हनुमानगढ़ी की सबसे खास बात है यहाँ होने वाली गुप्त पूजा, जो हर दिन प्रातःकाल 2 से 3 के बीच की जाती है। हनुमानगढ़ी के 8 महंत या पुजारी रोज़ सुबह 2 बजे मंदिर में इकट्ठा होते हैं, जिसके बाद यहाँ 1 घंटे तक मंत्र का जाप करके हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमानगढ़ी के एक महंत का कहना है कि जैसे ये पूजा शुरू होती है, यहाँ के गर्भगृह में एक अलग शक्ति का एहसास होने लगता है। हवा में गर्माहट महसूस होने लगती है, शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उन 8 सौभाग्यशाली महंतों को साक्षात हनुमान जी के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि इस पूजा में किए जाने वाले किसी भी विधि का खुलासा करने की इजाज़त इन पुजारियों को नहीं है। ऐसा करने पर हनुमान जी क्रोधित हो सकते हैं, इसीलिए इस पूजा में किए जाने वाले सभी विधि और मंत्र का जाप बाहरी दुनिया के लिए सिर्फ एक राज बनकर रह गया है। रामायण काल के दौरान, उससे पहले और उसके बाद भी अयोध्या का एक लंबा इतिहास रहा है। हिंदू ग्रंथों के अलावा बुद्ध और जैन ग्रंथों में भी इस नगरी को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, फिर चाहे वो प्राचीन काल की साकेत हो या अवधपुरी, पर राम भक्तों के लिए ये हमेशा श्री राम की अयोध्या ही कहलाई है। और आज जब यहाँ दिव्य राम मंदिर की स्थापना हुई है, तो कभी गुमनाम होती नजर आ रही इस नगरी के चर्चे फिर से पूरी दुनिया में हो रहे हैं। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए RAAAZ को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय श्री राम।